हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कस ऑन फैमिली एस्ट्रेसिस। इसको हम कंपोजिटिव फैमिली भी बोलते हैं। इसमें एग्जांपल करेंगे हम टैगस इरेक्टा, इसको हम बिग मैरीगोल्ड भी बोलते हैं। कॉमनली पाया जाता है ये गार्डन्स में, कॉलेज में, स्कूल्स में। इसकी हैबिट क्या है? ये एनुअल कल्टिवेटेड ऑर्नामेंटल हर्ब है। ये एनुअल है। इसका लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट होता है। और ऑर्नामेंटल है, ये ऑर्नामेंटल पर्पस में यूज किया जाता है। हर्ब है। स्टेम इसकी हर्बेसियस है, इरेक्ट है, ब्रांस्ड है, हेयरी है, ग्रीन है। स्टेम इरेक्ट है, सीधी है, ब्रांस्ड है, फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड है, हेयर्स प्रेजेंट इसके स्टेम पे छोटे छोटे और ग्रीन कलर के है। लीफ है जो अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी प्रेजेंट है इसके अंदर, मतलब यहाँ पे ऐसे इस टाइप में लीफ प्रेजेंट है इसके। उस पर सिंपल लीफ है। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब कि जो ये मिड रिब है ये फर्दर वेन्स में डिवाइड होगी, वेनलेट्स में डिवाइड नहीं होगी। एरोमेटिक स्मेल प्रेजेंट है इसकी लीफ के अंदर। आगे इनफ्लोरसेंस, इनफ्लोरसेंस कैपिटुलम हेड प्रेजेंट है। कैपिटुलम हेड में भी दो टाइप के फ्लावर हैं, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। अब दे करते हैं हम कैपिटुलम और हेड इनफ्लोरसेंस क्या होता है। जो पिडंकल है वो कनकेव या कन्वेक्स साइज में बना लेती है अपने आप को। रिसेप्टेबल के ऊपर स्मॉल से सेल, उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लोरेट्स प्रेजेंट होते हैं। वो सेंट्रीपिटल ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। जो फ्लोरेट सेंटर की तरफ होते हैं उनको हम डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं, और जो पेरिफेरी की तरफ होते हैं उसको हम रे फ्लोरेट बोलते हैं। वो जो डिस्क और रे फ्लोरेट जब सेम होंगे सिमेट्री में सेक्स में, तो उसको हम होमोजेनियस हेड या होमोजेनियस कैपिटुलम बोलेंगे। और जो रे फ्लोरेट डिफरेंट होंगे सेक्स और सिमेट्री में उसे डिस्क फ्लोरेट से, तो हम उसको हेट्रोजीनियस कैपिटुलम और हेट्रोजीनियस हेड बोलेंगे। अब इसका हम डायग्राम देखें। ये दो तरह के फ्लावर पाए जाते हैं इसके अंदर, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट तो इस टाइप का होता है और डिस्क फ्लोरेट इस टाइप का होता है। इसमें ये जो ये फ्लावर इसके अंदर ये फ्लोरेट दिखाए गए, इसको हम एक फ्लावर बोलेंगे इसको। रे फ्लोरेट क्या है? ये फ्लावर, इसमें फ्लावर कैसा होता है? ई ब्रैक्टेट है, मतलब ब्रैक्ट्स अब्सेंट होती है। जो इसके फ्लावर के बेस पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो अब्सेंट है। इनकम्प्लीट है, मतलब इसमें एंड्रोशियम अब्सेंट है। एंड्रोशियम अब्सेंट। यूनिसेक्सुअल है, पिस्टिलेट फ्लावर है, मतलब इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर पाया जाता है। जाइगनोमोर्फिक है, मतलब इसको हम एक प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एपिगाइनस कंडीशन है, मतलब ओवरी इंफीरियर है। गोल्डन येलो कलर का ये फ्लावर है। अब इसमें कैलक्स, इसमें दो कैलक्स, पांच कैलक्स प्रेजेंट होते हैं, ये दिखाए गए हैं छोटे छोटे। बट ये पैपस के अंदर रिड्यूस्ड हो जाते हैं। जो ये यहाँ पे बाहर की तरफ ये स्ट्रक्चर है, इसमें पैपस की तरफ ही, पैपस के अंदर ही रिड्यूस्ड हो जाते हैं। अब इसके पेटल्स है, जो पेटल है इसके अंदर ये बड़ी पेटल है, पांच पेटल प्रेजेंट होती है, और वो गैमोपेटलस कंडीशन पाई जाती है। मतलब ये पेटल है जो ये 1 2 3 4 5 ये दिखाई भी गई है यहाँ डॉटेड लाइन से, पांच के अंदर है, गैमोपेटलस है, ये फ्यूज्ड है। वाल्वेट एस्टिवेशन पाई जाती है इसके अंदर। वाल्वेट एस्टिवेशन मतलब इस टाइप की एस्टिवेशन पाई जाती है इनके अंदर। इनके एज मीट करेंगे लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। गोल्डन येलो कलर का फ्लावर इसका। अब एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इसके अंदर अब्सेंट होता है। गाइनोशियम बाइकार्पलरी है, ये दो कार्पल पाए जाते हैं। सिनकार्पस फ्यूज्ड कार्पस है इसके अंदर। यूनिलोक्युलर ओवरी है, सिंगल लोक्युलर ओवरी के अंदर। बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, मतलब एक ओव्यूल पाया जाता है इसके अंदर, और बेसल टाइप है जो ओव्यूल है सेंटर की तरफ अरेंज्ड होता है। स्टाइल है जो लॉन्ग है। स्टिग्मा है जो बायफिड है, मतलब क्या है, जो स्टिग्मा है दो इस टाइप के पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओवरी है जो इन्फीरियर है। अब हम एग्जाम्पल करेंगे डिस्क फ्लोरेट का। डिस्क फ्लोरेट में ब्रैक्टिएट कंडीशन पाई जाती है। जो फ्लावर के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है बेस पे। ट्यूबुलर है ये फ्लावर, ट्यूब्यूल शेप्ड का है। जैसे ये फ्लावर है इस टाइप का फ्लावर है, ये ट्यूब शेप फ्लावर है। इसके अंदर हर्मेफ्रोडाइट है, मतलब बाइसेक्सुअल है। ये एलएसएफ देखेंगे ना हम जो फ्लावर का, तो इसमें दोनों पार्ट दिखाए गए हैं। ये इसमें एंथर भी प्रेजेंट है और
स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी प्रेजेंट है, मेल फीमेल दोनों पार्ट है। ये एक्टिनोमॉर्फिक हम इसको किसी भी प्लेन में काटे सेम दिखाई देगा। ये एपिगाइनस मतलब ओवरी इंफीरियर येलो कलर का है। अब इसमें हम कैलक्स देखते हैं, कैलक्स वही पांच हैं पेपस के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं। कोरोला पांच है, गैमोपेटलस कंडीशन है, ये दिखाई भी गई है जो कोरोला है एक दूसरे से फ्यूज्ड है। वाल्वेट एस्टिवेशन है मतलब उनके मीट है, एज है जो वो मीट करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। ट्यूबुलर है ये फ्लावर और गोल्डन येलो कलर का। अब इसमें एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इसमें पांच पाए जाते हैं। एंड्रोशियम एंड्रोशियम है जो पांच एंड्रोशियम पाए जाते हैं। सिनजेनेसिस कंडीशन पाए जाते हैं। सिनजेनेसिस कंडीशन मतलब क्या है, इसके अंदर वो एंथर है वो फ्यूज होंगे लेकिन फिलामेंट फ्यूज नहीं होंगे। सिनजेनेसिस एंथर फ्यूज बट फिलामेंट फ्री, इसको हम सिनजेनेसिस कंडीशन बोलेंगे। अब एपिपेटलस कंडीशन पाई जाती है। एपिपेटलस क्या है, जो पेटल के साथ फ्यूज्ड होंगे एंड्रोशियम। फिलामेंट है जो वो लॉन्ग है। एंथर है बाइथिकस है, बेसी फिक्स्ड है मतलब एंथर है जो बेस से फिक्स्ड होगा। अब गाइनोशियम, गाइनोशियम बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस कंडीशन है। यू नीलोकुलर ओवरी पाई जाती है, बेसल प्लेसेंटेशन है, ओवरी है जो इन्फीरियर है, स्टाइल एक है, स्टिग्मा बाइफेड है। अब फ्रूट, इसमें कैप्सिला टाइप ऑफ फ्रूट पाया जाता है। इसका फ्लोरल फॉर्मूला, अब हमने दो फ्लावर पढ़े थे इसमें, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट, तो इसमें भी अलग अलग फ्लोरल फॉर्मूला बनेगा रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट का। अब हम रे फ्लोरेट का डायग्राम फॉर्मूला करते हैं, तो हमने बोला था कि ई ब्रैक्टेट कंडीशन है, तो हमने ई बी आर लिखा। जो ये मतलब जाइगोनोमॉर्फिक कंडीशन थी, तो ये परसेंटेज का साइन, इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट था इसलिए फीमेल पार्ट ही दिखाया गया। कैलक्स थे वो पेपस के अंदर रिड्यूस्ड थे, कोरोला थे पांच थे फ्यूज्ड थे, एंड्रोशियम अब्सेंट थे, गाइनोशियम दो थे, इंफीरियर ओवरी थी और फ्यूज्ड थे। अब हम डिस्क फ्लोरेट का फ्लोरल फॉर्मूला करेंगे। ये ब्रैक्टेट था, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री थी, मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट थे, कैलक्स पेपस के अंदर रिड्यूस्ड था, कोरोला पांच थे फ्यूज्ड थे, एंड्रोशियम पांच थे फ्यूज्ड थे वो भी, और इसके अंदर जो मतलब कि एपिपेटलस कंडीशन थी, तो ये एपिपेटलस कंडीशन शो की गई है। गाइनोशियम है जो दो थे फ्यूज्ड थे और इन्फीरियर ओवरी थी। अब हम इसके अंदर, ये इसका टीएस ऑफ ओवरी है, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है सेंटर की तरफ और बाइकार्पलरी कंडीशन दिखाई गई है। अब हम इसके अंदर फ्लोरल डायग्राम करेंगे रे फ्लोरेट का। ये फ्लोरल डायग्राम है फ्लोरेट का। अब हमने बोला था कि जो सेपल है वो पांच है, मदर एक्सिस के अगेंस्ट ड्रॉ करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला। ये जो मतलब कैलेक्स है वो पांच है, कोरोला है जो पांच है फ्यूज्ड है, और इसके अंदर वाल्वे टाइप ऑफ एस्टिवेशन थी और ये फ्यूज्ड दिखाए गए हैं। बाइकार्पलरी कंडीशन दिखाई गई है, ये कार्पल दिखाया गया है इसका। अब हम करेंगे डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट में क्या होगा, मदर एक्सिस के अगेंस्ट ड्रॉ करेंगे। हमने बोला था इसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, तो ये ब्रैक्ट दिखाई गई है। बाहर पांच कैलेक्स दिखाए गए हैं, अंदर पांच कोरोला दिखाए गए हैं, कोरोला फ्यूज्ड थे एक दूसरे के साथ। अब ये एंथर दिखाए गए हैं, पांच एंथर थे जो इसके साथ कोरोला के साथ फ्यूज थे। एपिपेटलस कंडीशन थी, तो ये इसलिए एपिपेटलस कंडीशन दिखाई गई है, और बाइकार्पलरी ओव्यूल दिखाया गया है इसके अंदर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।